हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज के सेशन में फिर से सीबीएसई बोर्ड के एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जो सोशल साइंस सब्जेक्ट का है। और आपका ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन है, एमसीक्यूस है, हाउ वाज द रौलेट एक्ट ऑफ 1919 परसीव्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल राइट एंड सिविल लिबरेट्स बाय इंडियंस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शंस देखें, यहाँ फोर ऑप्शन दिया गया है, तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला। इट वाज व्यूड एज अ रिग्रेसिव लेजिस्लेशन इन फेवर ऑफ द मेजोरिटी इंडियंस। इट वाज कंसिडर्ड एज सेवरली कर्टेलिंग द राइट टू पर्सनल लिबर्टी। नेक्स्ट, इट वॉज सीन एज अ नेसेसरी मेजर टू प्रिवेंट कम्युनल टेंशंस। इट वॉज रिगार्ड एज अ सेफ गार्ड फॉर प्रोटेक्टिंग ब्रिटिश सोल्जर्स। तो यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है, आपके आंसर यहाँ पे ऑप्शन आपका बी एकदम करेक्ट रहने वाला। इट वॉज कंसिडर एज सेवरली कर्टेलिंग द राइट टू पर्सनल लिबर्टी, है ना। ये पर्सनल लिबर्टी को जो है कि ये कर्टेल करने वाला लॉ था। कर्टेल मैंने होता है कम करना, है ना, यानी कोई व्यक्ति अपनी मनमर्जी से कोई किसी तरह का काम, कहीं आना जाना, कोई भी काम जो कि, है ना, इस समय में इस एक्ट के तहत नहीं कर सकते थे। अतः ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकुर अ रेसिडेंट फ्रॉम राजस्थान डिसाइडेड टू इंस्टॉल अ सबमर्सिबल वाटर पंप इन हिज हाउस केपेबल ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ग्राउंड वाटर फ्रॉम डेप्थ ऑफ 250 to 300 meters। दिस प्रैक्टिस ऑफ इंस्टॉलिंग सिमिलर पंप इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर क्रॉस द स्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग विल दिस ग्रोइंग प्रैक्टिस मोस्ट लाइकली लीड टू इन द नेट नियर फ्यूचर, है ना। तो ये नियर फ्यूचर में मतलब किस तरह का जो कि सोर्स बन सकता है, देखें इसका ऑप्शन यहाँ पे, डिक्लाइन द ग्राउंड वाटर क्वालिटी, ये क्योंकि मोर डेप्थ में जाने पर वाटर ग्राउंड जो है कि आपका डिक्लाइन नहीं होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, रिड्यूस मॉनसून वाटर रिसोर्स, ये भी कोई रिलेटेड नहीं है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज, ये ना ग्राउंड वाटर से किसी तरह का डिजीज होने का खतरा बहुत ही कम रहता है, है ना। वाटर स्कार्सिटी रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेसिव यूटिलाइजेशन, आपका ऑप्शन यहाँ पे डी जो है कि मैच कर रहा है, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट जो है कि इसका आंसर हो जाएगा, है ना। वाटर स्कार्सिटी रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेसिव यूटिलाइजेशन, पानी का अधिक यूज करने से स्कार्सिटी, वाटर स्कार्सिटी जो है कि रिजल्टिंग के फॉर्म में आ सकता है देखने को, अतः ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है, मैप के थ्रू दिया गया है, ऑब्जर्व द मैप गिवन बिलो शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अक्रॉस इंडिया, है ना। तो आप इस मैप में देख सकते हैं आपको यहाँ पे न्यूक्लियर और थर्मल पावर प्लांट आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस फिगर को देखने के बाद यहाँ पे इसका डिटेल्स भी दिया गया है, आयरन ओर फील्ड्स, आयरन ओर माइंस, है ना, आप सिंबल के साथ सभी का आपका नाम भी यहाँ पे दिया गया है। देखते हैं इससे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI इज यूज टू मेजर रियल टाइम एयर पोल्यूशन लेवल्स। ए हाई AQI रिप्रेजेंट्स पुअर एयर क्वालिटी, है ना। चलिए, अकॉर्डिंगली विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स मार्क्ड ऑन द मैप इज लाइकली टू एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली बेटर AQI। तो देखते हैं मैप के थ्रू से, यहाँ पे आपका जो आंसर आ रहा है, यहाँ पे आर अगर देखें, ऑप्शन आर आपका जो है यहाँ पे करेक्ट यानी कि शो कर रहा है ना, ऑप्शन ऑप्शन आर आप यहाँ पे आपका सी जो कि करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि मैप में देखें, है ना, आर देखिए आपका ओनली वन पॉइंट है, बट इसके रिस्पेक्ट में अदर ऑप्शन से देखें ये जो है कि इससे ज़्यादा नंबर्स में, है ना, अतः आपका यहाँ पे आर जो है कि करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट,
द फ्लोविंग क्वेश्चन इज फॉर विजुअली है ना इम्पेयर्ड स्टूडेंट ओनली इन लीव ऑफ क्वेश्चन थ्री। अच्छा ये क्वेश्चन थ्री उसी का और में दिया गया है, चलिए इसे छोड़ देते हैं यहाँ से। फोर नंबर में रीना ए 28 ईयर ओल्ड वुमेन फ्रॉम अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी इज एन एडुकेटेड बट अडॉप्ट एट मार्केटिंग ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट। हर फैमिली टॉयल्स हार्ड टू अफोर्ड टू स्क्वायर मील्स एवरी डे है ना। अकॉर्डिंगली विच डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव वुड बी द मोस्ट क्रूशियल फॉर इम्प्रूविंग रीनास एंड हर किन्स वेलबींग है ना। तो यहाँ पे जो अपनी आजीविका चलाती है जो हैंडीक्राफ्ट के थ्रू से है ना, और ये एक दिन में दो टाइम्स का जो है कि मील यानी फूड जो है कि ये प्रोवाइड कर सकता है सेल्फ हर एंड हर किन्स के लिए। तो इसमें इसके रियल लाइफ इसके डेली टू डेली लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए है ना किस चीज़ को जो है कि यहाँ पे इम्प्रूव करना होगा। इंक्रीजिंग एक्सेस टू क्लीन एनर्जी इन रीनास कम्युनिटी, रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन रीनास कम्युनिटी, क्रिएटिंग मोर ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी फॉर रीना एंड अदर आर्टिसंस, इंश्योरिंग दैट रीना हैज़ द सेम राइट एंड अपॉर्चुनिटी एज मैन इन हर कम्युनिटी। तो इसका देखें ऑप्शन आपका ए यहाँ पे जो कि आपका एकदम करेक्ट रहने वाला है। इंक्रीजिंग एक्सेस टू क्लीन एनर्जी एंड इन रीनास कम्युनिटी आपका यहाँ पे ऑप्शन ए की करेक्ट रहने वाला। नेक्स्ट इंडिया ग्रीन एनर्जी गोल हैव अ सीरियस प्रॉब्लम। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII सर्वे कवरिंग 80 किलोमीटर ऑफ पावर लाइन्स अक्रॉस द थार डेजर्ट फाउंड फोर बस्टर्ड एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज डेथ ड्यूरिंग अ सिंगल ईयर ड्यू टू हाई ट्रांसमिशन वायर्स इंक्लूडिंग सम कनेक्टेड टू वाइन टर्बाइन सोर्स। द प्रिंट शुड द इंस्टॉलेशन ऑफ सच पावर लाइन्स बी रिकन्सिडर्ड इन एरियाज वेयर सच स्पीसीज आर फाउंड। तो आपका यहाँ पे जो दिया गया है दो ऑप्शन में ऑप्शन यहाँ पे अब चार ऑप्शन है आपका यहाँ पे, इनमें से कौन जो है यहाँ का करेक्ट रहने वाला है देखें। यस अल्टरनेटिव मेथड ऑफ पावर जनरेशन शुड बी एक्सप्लोर टू मिनिमाइज दीज रिस्क। बी में यस द गोल ऑफ प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी इज द ओनली गोल विच शुड बी प्रियोरिटाइज। नेक्स्ट देखें ऑप्शन नो द बेनिफिट्स ऑफ पावर लाइन आउटवे द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द स्पीसीज। नो द स्पीसीज इज नॉट येट एक्सटिंक्ट एंड करेंटली नो एक्शन नीड्स टू बी टेकन। नहीं ये दोनों तो आपका कोई मेल ही नहीं खा रहा है ना। आपका यहाँ पे ऑप्शन आपका जो कि ए जो है कि आपका करेक्ट रहने वाला है ना। ऊपर के क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो आपका मेन जो आ रहा है आई थिंक यहाँ पे कि यस अल्टरनेटिव मेथड्स को जो है कि हमें पावर जनरेशन का जो है कि एक्सप्लोर करना चाहिए है ना, ताकि स्पीसीज जो एंडेंजर्ड जोन में है उन्हें कोई क्षति या हानि ना पहुँचे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देर आर टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो मार्क्ड एज ए एसर्शन ए एंड रीजन आर। रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एसर्शन ए पावर शेयरिंग कैन हेल्प टू प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी। यस इट इज राइट ये आपका सही बात है। एंड रीजन पावर शेयरिंग इंश्योर्स दैट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स आर इंक्लूड इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रिड्यूसिंग मार्जिनलाइजेशन एंड फोस्टरिंग इंक्लूसिविटी है ना। आपके यहाँ पे जो देख रहे हैं है ना, अगर आप पावर को यदि शेयरिंग कर देंगे सोसाइटी में तो यहाँ पे ये जो बात कर रहा है ये सही है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होगा वो कम हो जाएगा है ना, और है ना फोस्टरिंग का जो इंक्लूसिविटी है ये भी आपका कम हो जाएगा। अतः आपको यहाँ पे दोनों सेंटेंस जो है कि कंबाइंड यानी रिलेटिव है एक दूसरे के, अतः आपका यहाँ पे ऑप्शन देखें एक और दो दोनों सही होना चाहिए। तो इसमें तो एक फॉल्स एक राइट है, तो ए और बी आपका ख़त्म हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए है ना, यहाँ पे आर जो है कि आपका ए का एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी आपका करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट इन एन इंडियन स्टेट कम्युनिटीज एक्स एंड वाई हैव बीन एंगेज्ड इन अ लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट ओवर इशू ऑफ को एग्जिस्टेंस एंड रिसोर्सेज शेयरिंग। द टेंशंस हैव इंटेंसीफाइड लीडिंग टू अ डिमांड फ्रॉम बोथ कम्युनिटीज फॉर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाट इज द बेस्ट रिजोल्यूशन टू दिस कॉन्फ्लिक्ट है ना, तो इस कॉन्फ्लिक्ट का बेस्ट रिजोल्यूशन क्या हो सकता है। देखें ऑप्शन में
and delaying the demands of self-administrating and maintaining the current power structure. आपका यहाँ पे ये जो कह रहा है तो ये आपका नहीं सकता है, चूँकि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को मतलब जो कि इम्प्रूव करना ही करना है, इसमें कोई डिले जो है कि हमें नहीं करना है। इसमें आपका ऑप्शन बी तो एकदम पूरा गलत है। ये देखें, कोलैप्सिंग द रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ड्यू टू इट्स इनलिफेंसी इन गवर्नमेंट द स्टेट, नहीं ऐसा भी हम लोग नहीं सकते। करेंट गवर्नमेंट को भी जो ही कोलैप्स नहीं कर सकते, आपका ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखें कि में इम्पोजिंग स्ट्रिक्ट रेगुलेशन टू कंट्रोल द मोमेंट एंड इंटरेक्शन ऑफ बोथ कम्युनिटीज एंड इस्टेब्लिश अ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट वेयर बोथ कम्युनिटीज हैव ए रोल इन डिसीजन मेकिंग, है ना। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट मैच हो रहा है इस सिचुएशन का, है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेफिनेट इंडिकेटर ऑफ द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, है ना। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स का देखें, फ्री इकोनॉमी डेडिकेशन डिक्टेटेड बाय मार्केट फोर्सेस, प्रोविजन ऑफ बेसिक एमिनिटीज टू द सिटीजेंस, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस टू प्रोटेक्ट पीपुल्स राइट। तो आपका इसका जो राइट आंसर यहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे है ना, एस्टैब्लिशमेंट इंस्टीट्यूशन टू प्रोटेक्ट पीपुल्स राइट, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, देर आर टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो मार्क्ड एज एसर्शन ए एंड रीजन आर, रीड द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। इस तरह के एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, दो क्वेश्चन मिनिमम, है ना, इसलिए इस क्वेश्चन को भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो चलिए देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन। एसर्शन में है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोमोटिंग इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, है ना। सही में आपका यदि देखें यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप आपका जो SHG होता है, है ना, आपका जो SHG जो होता है वो इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोमोटिंग इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ये बात आपको इसका सही है। नेक्स्ट देखें ऑप्शन, है ना, रीजन दे कंट्रीब्यूट टू अ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड अपॉर्चुनिटीज, है ना। तो यहाँ पे ये भी आपका जो एकदम करेक्ट सेंटेंस कह रहा है ना, दे कंट्रीब्यूट टू मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड अपॉर्चुनिटीज, ये भी आपका सही है, दोनों सही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन ए, आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडायरिटी इम्फेसिस दैट डिसीजन शुड बी मेड बाय द पीपल हु आर मोस्ट इफेक्टेड बाय देम, प्रोमोटिंग डिसेंट्रलाइजेशन एफिशिएंसी एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस विद हायर लेवल्स ऑफ अथॉरिटी इंटरवेनिंग ओनली व्हेन लोअर लेवल अथॉरिटीज आर अनेबल टू एड्रेस सर्टेन इशू इफेक्टिवली, है ना। सोर्स एडिटिंग आपको जहाँ से भी सोर्स है देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल लेजिस्लेशन इज इन क्लोज अलाइनमेंट विद द प्रिंसिपल स्टेट अबव, ऑप्शन देखें, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, राइट ऑफ इंडिविजुअल टू फॉर्म एंड ज्वाइन पोलिटिकल पार्टीज ऑफ देयर ऑफ च्वाइस, रिजर्वेशन ऑफ फॉर वोमेन इन द हाइएस्ट लॉ मेकिंग बॉडीज। तो आपका 10 नंबर का जो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आ रहा है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, है ना, आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहने वाला। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबलाइजेशन इज द इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द वर्ल्ड थ्रू द फ्लो ऑफ गुड सर्विस कैपिटल आइडियाज एंड पीपल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल रिप्रेजेंट्स ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, एन ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग पोर्टल फॉर गुड्स सोल्ड बाय लोकल वेंडर रन बाय द इंडियन गवर्नमेंट, एंड IKEA एंड IKEA स्टोर इन बेंगलुरु सेलिंग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर इन चाइना, अ ट्रेडिशनल वियतनामीज मार्केट सेलिंग हैंडीक्राफ्ट इन हनोई, अ संडे मार्केट सेलिंग ग्रोसरीज प्रोड्यूस्ड लोकली। तो इसमें ग्लोबलाइजेशन का जो आपका आइडिया इसमें जो आ रहा है 11th का,
आपका इसमें जो है कि है ना बी ऑप्शन, आईकिया स्टोर इन बेंगलुरु सेलिंग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना, है ना, बेंगलुरु में प्रोडक्ट करके चाइना में जो है इसे बेच रहा है, ये आपका ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट, द इंडियन मार्सेस विलिंगली पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसओबेडियंस मूवमेंट डिस्पाइट द चैलेंज फेस्ड ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अकॉर्डिंगली विच ऑफ द फॉलोइंग कोट बेस्ट रिफ्लेक्ट द आउटलुक ऑफ द मार्सेस। देखते हैं क्या कोट है, इसमें कोटेशन है, द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग लाई नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल, एन आई फॉर एन आई ओनली एंड अप मेकिंग द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अच्छा, इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, ओबीडियंस इज द की टू अ पीसफुल सोसाइटी। तो आपका इसका जो ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग लाइफ नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल, है ना, आपका यहाँ पे ऑप्शन ए जो है कि इन दोनों मोमेंट के रिस्पेक्ट में ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गिवन बिलो इज द पेंटिंग इंपीरियल फेडरेशन मैप ऑफ द वर्ल्ड शोविंग द कंटेक्स्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन 1886, ऑब्जर्व द पेंटिंग एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, है ना, इस पेंटिंग को इसमें जो मैप दिखाया गया है एंड किंगडम्स को दिखाए गए हैं इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डिपिक्टेड इन द पेंटिंग सीम कॉन्फ्लिक्टिंग व्हेन प्रेजेंटेड टुगेदर, है ना, आपके पेंटिंग से ही क्वेश्चन हैं तो क्वेश्चन पेंटिंग को एक बार देख लें क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, द ब्रिटिश सोल्जर एंड ब्रिटिश कॉलोनीज स्प्रेड इन बोथ ईस्ट एंड वेस्ट, आपको दिख रहा होगा, एंड द वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड कॉस्ट्यूम्ड फिगर्स डिपिक्टिंग कंट्री एंड देयर पीपल, है ना, ब्रिटेनिया द पर्सनोफिकेशन ऑफ ब्रिटेन सीटेड ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड द वर्ड्स फेडरेशन रिटेन एट द टॉप ऑफ द इमेज, द वर्ड्स फ्रीडम एंड फ्रेटर्निटी रिटेन एट द टॉप एंड एट लास्ट डिपिक्टिंग ह्यूमन लेबर होल्डिंग द वर्ल्ड अपॉन हिज शोल्डर। इसका जो आपका जो यहाँ पे पेंटिंग के बारे में जो करेक्ट जो आपका एक्सप्लेनेशन आ रहा है यहाँ पे देखें तो आपका 13 का आपका जो है कि एकदम डी आपका जो है कि एकदम करेक्ट मैच हो रहा है ना, एकदम डी जो है कि आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है, द फॉलोइंग क्वेश्चन इज फॉर विजुअली, अच्छा ये क्वेश्चन हमें नहीं लेना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देर आर टू स्टेटमेंट्स गिवेन बिलो अबाउट द प्रिंट रिवोल्यूशन मार्क्ड एज एसर्शन ए एंड रीजन आर, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एसर्शन, द डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज वेयर फंडामेंटली अल्टर्ड विद द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग। रीजन, प्रिंटिंग इनेबल्ड इंटेलेक्चुअल टू प्रोड्यूस कॉमेंट्स ऑन एंड इवेल्युएट टेक्स्ट विच स्प्रेड एज आइडियाज अक्रॉस यूरोप। तो आपका यहाँ पे देखें 14 का जो आंसर आपका रहा है यहाँ पे आपका दोनों मैच कर रहा है ना, ऑप्शन ए भी राइट है और ऑप्शन बी भी राइट है, आपका यहाँ पे दोनों राइट है तो दोनों राइट है और इसका एक्सप्लेन भी कर रहा है तो ऑप्शन यहाँ पे आपका इस तरह से फिर सी भी करेक्ट रह जाएगा, है ना, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट ट्रू एंड आर एक्सप्लेन अबाउट ए, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फैक्टर विच कॉन्ट्रीब्यूट टू द इमरजेंस ऑफ मल्टीपल पोलिटिकल पार्टीज एट द सेम लेवल इन इंडिया। तो 15 का यहाँ पे देखें आप आंसर आपका यहाँ पे जो कि है ना लिंग्विस्टिक एंड रीजनली डाइवर्सिटी, आपका ऑप्शन यहाँ पे जो कि सी आपका करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी डिसीजंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कुड पोटेंशियली सर्व एज अ ट्रेड बैरियर, आपका 16 का इसमें देखें ऑप्शन, अच्छा, स्ट्रेंथिंग एक्सपोर्ट सब्सिडीज सिंप्लीफाई कस्टम प्रोसीजर एंड इम्प्लेंटिंग हायर ट्रिप टैरिफ्स ऑन इम्पोर्ट्स, है ना, हायर टैरिफ्स ऑन इम्पोर्ट्स आपका यहाँ पे मैच कर जो कि सही हो जाएगा तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गिवन बिलो इज अ कार्टून क्रिएटेड बाय नीलाभ बनर्जी द रिनाउंड इंडियन कार्टूनिस्ट इलुस्ट्रेटर एंड कॉमिक्स आर्टिस्ट, है ना, यहाँ पे दिया गया है नीलाभ बनर्जी के द्वारा,
तो इसमें क्या कर रहा है, व्हाट इज द कार्टून ट्राइंग टू डिपिक्ट, है ना, इस ये कार्टून किस चीज़ क्या डिपिक्ट हमें कर रहा है, हमें क्या दिखा रहा है। फिगर को ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक व्यक्ति जो कि मजे शो के पंखा झल रहा है, एक औरत के गोद में बच्चा है, एक हाथ में बच्चा है, फिर हाथ में जलावन है, फिर उसके माथे पे पानी का घड़ा है, तो ये क्या दिखा रहा है देखें इसका, है ना। द सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इन इंडिया नेचुरल एंड अनचेंजेबल जेंडर डिवीजन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज डन बाय वुमेन इन रूरल इंडिया द एबिलिटी ऑफ मेन टू कंट्रीब्यूट इक्वली टू डोमेस्टिक वर्क एज वुमेन। तो आपका यहाँ पे देखें इसका जो आंसर, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सेक्सुअली डिवीजन ऑफ लेबर इन इंडिया, है ना। तो यहाँ पे महिला मतलब जो है कि लिंग के आधार पे जो है कि कार्य को यहाँ पे बढ़ावा मतलब जो कि मिल रहा है वो दिखाया गया है। नेक्स्ट, द टेबल गिवन बिलो हाईलाइट्स द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन थ्री सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इन इंडिया। द डाटा फॉर द ईयर 2023 हैज एक्चुअल फिगर्स वाइल द डाटा फॉर 2040 इज हाइपोथेटिकल बेस्ड ऑन द पब्लिश्ड फिगर्स ऑफ द ईयर 2023। तो आप यहाँ देख सकते हैं पहले डाटा को इस तरह से, इसे देखने के बाद इसका जो आंसर आपका आ रहा है, आपको आइदर हाइपोथेटिकल सिनेरियो वन और थ्री जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द आपका 19 का यदि देखें, 19 का यदि आपका देखें इसमें, बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द टेबल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लाइकली टू बी करेक्ट। तो इसमें आपका देखें ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन मैच करने के बाद आपका यहाँ पे जो कि डी ऑप्शन जो कि आपका यहाँ पे करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट, इन 20 का यदि देखें इसमें आपका, 20 का इसमें जो कि आपका इसमें बी जो है कि करेक्ट आंसर आ रहा है ना। तो डियर स्टूडेंट्स आज का सेशन समाप्त करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।